सब यहाँ से स्टॉप करेंगे कैसे बताएं। आपको टापरों का शौक है क्या? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक गोट फार्म पे आए हुए हैं और यहाँ पे आने का मकसद ये है कि जो हमारा पिछला सीज़न गुजरा है 2023 की कुर्बानी का, उसकी पूरी फीजिबिलिटी आप लोगों को बताएंगे। इसकी बताने की दो बात है। एक तो ये कि हमारे दोस्त यार पूछते हैं, हाँ भाई बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, क्या किया, और दूसरा ये कि उनको क्या क्या एक एक किसको क्या बताएं, और दूसरा ये कि वो लोग जो ये काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो सोचते हैं कि यार इस साल ही हम काम करेंगे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई अभी तक ये काम करने की, तो उनके लिए भी एक गाइडलाइन होगी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो एंड तक देखनी है और इसमें पूरी फिजिबिलिटी बताऊंगा कि इस काम में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, कहाँ से परचेजिंग की, कहाँ पे रखे, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इसके अंदर। चलिए अब जो कुछ क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। जो मेन क्वेश्चन है कि भाई ये कितने था, कितनी इन्वेस्टमेंट थी, क्या था, वो मैंने सारी जगह लिखे हुए अपने दोस्तों के, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या था। तो पहला क्वेश्चन है भाई कितनी इन्वेस्टमेंट थी उस्मान भाई, कितनी इन्वेस्टमेंट थी? हमारी लगभग इन्वेस्टमेंट थी तकरीबन 12 लाख रुपए। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट थी 12 लाख रुपए। अच्छा, लोकेशन पूछते हैं कि लोग क्या थी, लोकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लोकेशन क्या होनी चाहिए। पिछले साल हम लोगों ने एक जो मलिर कैंट की तरफ पीछे बहुत सारे बाड़े बने हुए हैं, वहाँ पे एक बाड़ा जो है वो हमने रेंट पे लिया था और वो बड़ी अच्छी जगह थी बकरों के हवाले से, लेकिन वो सेल पॉइंट के हवाले से जगह अच्छी नहीं थी। वहाँ पे जो वही लोग आ रहे थे जो हमारे जानने वाले रेफरेंस वाले थे, ठीक है, तो उसके पेश नज़र फिर बारिश हो गई और हमारे जो थे बकरे पिछले साल 2022 में नहीं बिक सके। इस दफ़ा हमने शहर के बीचों बीच डिस्को बेकरी के पीछे गुलशन ब्लॉक 3 में एक हमारे पार्टनर थे, उनका एक घर खाली पड़ा हुआ था, वहाँ पे हमने बकरे रखे और इस दफ़ा बकरे तो हमारे बड़े जल्दी बिक गए, लेकिन मोहल्ले वालों ने थोड़ा सा तंग किया कि यार ये जगह कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है और इस तरह की, उन्होंने काफ़ी मतलब हमें तंग किया। तो मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि भाई ऐसी जगह रखें जहाँ आप रहते हों, जहाँ के मोहल्ले वालों को आपको पता हो कि यार कोई मसला नहीं होगा, तब आप बीच में यानी मोहल्ले के अंदर रखिएगा, वरना कोई ऐसी जगह देखें जो शहर के बीचों बीच हो और थोड़ी सी मंडी टाइप हो जहाँ पे आम बायर भी आए, ठीक है। वो जगह गली के अंदर थी, सारे हमारे रेफरेंस वाले लोगों ने ही ली है, ठीक है। तो जगह के हवाले से मेरा आप लोगों को ये मशवरा है कि जगह बहुत देखभाल की रखिएगा, ना कोई शहर से बहुत दूर हो और शहर के बीच में हो, तो ऐसी जगह ना हो कि जहाँ पे लोगों के आने का मसला ना हो। लोग गाड़ियों पे आएंगे, बाइकों पे आएंगे, जैसे भी आएंगे, और कोशिश करेंगे सामने वाली जगह, जिस पर हमारी जो जगह थी वो बड़ी अच्छी लोकेशन थी, सामने पार्क था, इस तरफ घर थे, तो एक तरफ तो बिल्कुल सेफ है, मतलब वहाँ पे लोग वगैरह नहीं है, उनकी सामने लोग नहीं है तो उनकी गाड़ियाँ, उनकी पार्किंग, उनके रहने का मसला भी नहीं है, ठीक है। तो जगह बहुत मैटर करती है, तो जगह जब भी देखें अपने तरीके से बहुत सोच समझ के जगह डिसाइड कीजिएगा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के आने के हवाले से, मोहल्ले वालों के हिसाब से, और जगह क्या देखने के, खाली प्लॉट भी ना हो कि बारिश शुरू हो जाए या धूप हो तो बकरों को आप सेफ ना कर सकें, ठीक है। तो ये है जगह क्या बात है। तीसरा है जी परचेजिंग। परचेजिंग कहाँ से की? परचेजिंग हमने मल्टीपल जगहों से की। हम मीरपुर खास गए, हम सांगड़ गए, हमने कुछ बकरे भैंस कॉलोनी से भी लिए, एक आध बकरा मैंने लालू खेत मंडी से भी लिया, वो रिक्वायरमेंट पर लेने गया था, लेकिन जो मेरी सबसे अच्छी मंडी है वो मीरपुर खास की है। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप परचेजिंग करें आप मीरपुर खास जाएं, वहाँ पे बेतहाशा वैरायटी होती है। अच्छा जी, इसके अंदर जो तीसरा जो मेन वो है एक्सपेंसेस का। अगर आपने परचेजिंग अच्छी कर ली लेकिन आपके एक्सपेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तब भी आपका प्रॉफिट नहीं होगा आपको इस काम में। तो एक्सपेंस के बारे में हमें बताएंगे उस्मान भाई। जी उस्मान भाई, एक्सपेंस के हवाले से आपका क्या हुआ, थोड़ा जोर से बताएं। देखिए एक्सपेंस के बारे में ऐसा है कि आप अगर जब बकरे जहाँ से परचेज करके लेके आते हैं तो आप जहाँ जितनी दूर से लेकर आएंगे जितनी ट्रैवलिंग होगी उसके हिसाब से उसका एक्सपेंस, जैसे कि उसका किराया लगेगा, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो के उसका चारा अगर आप किसी मतलब ऐसे इलाके से लेके आते हैं जहाँ पे चारा सस्ता हो तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंस उसमें कम पड़ेगा, बनिस्बत आप शहर के किसी बीच से चारा लेते हैं तो वो महंगा पड़ेगा, ठीक है। नंबर दो, जैसे अगर आप किसी बंदे को रखते हैं देखभाल के लिए तो उसका तकरीबन लगभग जो उसका उसके पैसे आप उसको देते हो वो तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये
और खाने पीने का अलग है, 300-350-400 रुपये के लगभग खाने पीने का खर्चा आ जाता है एक दिन का। तो वो मिला के तकरीबन 20-22 साबे का अप्रोक्सीमेट रख लें तो 25,000 रुपये तकरीबन लग जाता है। और उसके अलावा अगर आप कोई शेड वगैरह लगाते हो किसी खुली जगह पे, कोई बांस वगैरह, ये सारे मामला करते हो तो उसका एक्सपेंस अलग है। इसमें मैं एक बात ऐड करूँगा कि एक्सपेंस के हवाले से, जब आप यहाँ से जाते हैं तो बस से जाएंगे, 800-900 रुपये 1,000 रुपये आपका किराया लगेगा मीरपुर पास पहुँचने में। उसके बाद जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसे निकलते हैं रात की गाड़ी में कि डायरेक्ट वो मंडी पहुँचे। लेकिन मैं जो हूँ वो ये करता हूँ कि यहाँ से जब जाता हूँ तो रात को गेस्ट हाउस लेता हूँ और वहाँ पे रात को स्टे करता हूँ, नींद पूरी करता हूँ, उसके बाद मंडी जाता हूँ। क्योंकि मेरे साथ थोड़ा नींद का मसला है, मैं जब नींद पूरी नहीं करता तो मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। तो वो एक गेस्ट हाउस का एक्सपेंस है। फिर आप गेस्ट हाउस से वहाँ जाएंगे, रक्षा वाला आपसे लेगा 300-500 रुपये। फिर आपका नाश्ता वाश्ता किया आपने, अच्छा दिन में खाना नहीं होता है यहाँ पे। जब मंडी आप जाते हैं तो दोपहर का खाना आपको स्किप करना पड़ता है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो पहली बार जाएंगे, कि ये बात जहन में रखें, इस काम में खौरी है। आप सुबह नाश्ता करेंगे, उसके बाद आप परचेजिंग पे लग जाएंगे। परचेजिंग करते करते आपको दोपहर 2-3-4 बज जाएगा। 4 बजे आप गाड़ी करेंगे, गाड़ी इस दफ़ा आई थी 17,000 रुपये की, वहाँ से मीरपुर खास से 17,000 रुपये की गाड़ी आई थी। 17,000 रुपये की गाड़ी में आप जब वापस आ रहे होते हैं, हैदराबाद बाईपास पे चढ़ते हैं, हैदराबाद से आगे टूल प्लाजा क्रॉस करते हैं, तो आपको लगभग 8, 8:30, 9 बज चुका होता है। उसके बाद आप सुबह नाश्ता किया हुआ होता है, उसके बाद रात को आप खाना खाते हैं। बीच में सिर्फ आप ठंडे पानी और जैसे उस्मान भाई ने बताया शरबत पे गुजारा करते हैं, क्योंकि गर्मी शदीद होती है अंदरून सिंह की, इसमें आपका बगैर पानी और इसके गुजारा नहीं है। ठीक है, तो वो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि आप आधा लीटर की बोतल की पानी एक घूंट में पी लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे घर पहुँचते वहाँ 10-11 बज जाएंगे। तो ये एक्सपेंस की थोड़ी डिटेल है सफ़र के हवाले से, बाकी बंदा और ये तो उन्होंने बता ही दिया है कि रेंट, जगह का रेंट, सफ़र और वो दूसरी बंदे का खर्चा, जंतर और ये सारी चीज़ें, हमने गंदम छिलका सब कुछ खिलाया था जानवरों को। फिर डेली एक्सपेंसेस भी हो रहे होते हैं, चाय ये आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, ये वो, तो ये सारा है एक्सपेंस के हवाले से। अच्छा, इसके अलावा इस दफ़ा हमने क्या किया था कि नंबर ऑफ गोल्स कितने बकरे थे? 50 था हमारे पास। इस दफ़ा हमने 30 की का सोचा था कि इस दफ़ा हम 30 बकरे लेके आएंगे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से कस्टमर के ओवरवेलमिंग रिस्पांस की वजह से 25 बकरे हमारे एक दिन में बिके, और 3 बकरे जिस दिन हम लाए थे उसी दिन बिक गए थे। तो और बकरीद में थे तकरीबन 10-12 दिन और, तो हमारे पार्टनर से मशवरा किया कि यार अब, और सारे बकरे हमारे घर पे छोड़ के चले गए जहाँ पे हमने बकरे रखे हुए थे, क्योंकि हमारा जो पर डे जो हम ले रहे थे वो 200 रुपये ले रहे थे, वो इतना मतलब फीजिबल है सबके लिए कि 200 रुपये ज़्यादा तो बंदे का अपना खर्चा हो जाता है अगर वो घर लेके जाए, उस पर गन भी साफ़ करना, उसकी देखभाल करना। तो हमने फिर कहा कि यार हम रोज़ आएंगे तो बिके हुए बकरों को देखने तो आएंगे नहीं, तो फिर हमने कहा कि यार एक और ट्रिप लगाया और हम सांगड़ गए, जो कि हमारा बस जैसा भी था, लेकिन रेट हमें कोई वहाँ पे कोई खास नहीं मिले, बस हम ज़बरदस्ती गए, ज़बरदस्ती हमने परचेजिंग की और वापस आ गए। तो परचेजिंग आप जितना पहले करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, आपका एक्सपेंस बचेगा। आप जितना आखिर में परचेजिंग करेंगे उतना आपको फ़ायदा और प्रॉफिट आपका कम होता जाएगा, ये बात जहन में रखिएगा। तो पहले तीस बकरे हुए, उसके बाद हम लोग 17-18 बकरे करके हमने पूरे 50 बकरे इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बेच दिए थे 2 दिन पहले। अच्छा, इस दफ़ा एक हमने एक नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करवाई, वो कस्टमर्स जो हमसे 3 साल से बकरे ले रहे हैं, 2 साल से बकरे ले रहे हैं, उनको हमने मैंगो बॉक्सेस दिए थे। हम लोग जब मीरपुर खास से आ रहे थे तो वहाँ पे आम की मंडियाँ लगती हैं, और मंडी होती है, एक मंडियाँ तो नहीं होती, एक मंडी होती है बहुत बड़ी। जब आप जाएँ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ लाजमी जाएँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। इतने ज़बरदस्त आम वो आपको वैसे ही खिला रहे होते हैं और आपका दिल करेगा कि आप सारे बकरे छोड़ के आम ले लें, इतनी ज़बरदस्त मंडी है। तो हमने वहाँ से आम की पेटियाँ ली, और उसके बाद फिर हम लोगों ने कस्टमर्स को कहा, सब हमसे पूछे थे कब आएँ, तो हमने कहा था सैटरडे को आ जाएँ। हम लोग बुध को बकरे लेकर आए मीरपुर खास से बेटियों के साथ, और हम लोगों ने जमरात जुम्मे से वो बेटियाँ बांटना शुरू कर दी थी, क्योंकि आम जो थे वो ऐसा ऐसा पकना शुरू हो गए थे और वो कुछ एक आध ख़राब भी हो गया था उसमें। ठीक है, तो इस दफ़ा हम लोगों ने वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और मतलब ये एक ऐसा था कि अगर मैं ना भी देता तब भी मेरे बकरे तो बिक जाने थे, लेकिन ये एक ऐसा गुड जेस्चर, क्योंकि हम प्रोफेशनल व्यापारी नहीं है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ प्लस टीचर हूँ, एक गवर्नमेंट जॉब मेरी हो गई है, अपना बिजनेस करते हैं। एक हमारे साथ नए पार्टनर रहते हैं मुजम्मिल, वो अपना एनजीओ चलाते हैं और टीचिंग से वाबस्ता हैं। एक मुबशिर थे, वो भी एक जॉब करते हैं, और वो थे खजर थे, वो भी बैंक वगैरह में होते हैं और मीज़ान बैंक में, और एक उस्मान थे डिग्री वाले। तो ये सारे जो थे वो अपने अपने काम करते हैं, ये बस सिर्फ साल का शौक होता है कि यार 15-20 दिन जो है वो थोड़ा सा ट्रैवलिंग करें, इंटीरियर जाएं, थोड़ा नया एक्सपीरियंस दें, एक्सपोजर देखें और करें।
बकरे सेल करें बिजनेस का भी एक मजा ले लें, क्योंकि पूरे साल तो सिर्फ इसके अलावा पूरे साल सारे जॉब करते हैं, सिर्फ हम जो है 15-20 दिन बिजनेस का शौक पूरा करते हैं ये बकरीद और ये बकरों के चक्कर में। तो हमारा ये नहीं होता कि हम ज्यादा से ज्यादा लाखों, मतलब हम तीर मार लें तब भी हमको 10-20 लाख रुपए करोड़ों नहीं कमा लेंगे इस काम से। ये ऐसा एक तफरी के तौर पर हम करते हैं, एक शौक के तौर पर करते हैं। तो हमारा जो मेन पर्पज़ होता है वो लोगों को खुश करना होता है, लोगों की खिदमत करना होता है। तो उसमें हमने उनको बकरे भी दिए, साथ में उनको आम की पेटियाँ भी दी। मैं इसकी पिक्चर इसके साथ अंदर अपलोड करूँगा, वो जो मैंने उनको दी हैं, और वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश थे। तो ये था मैंगो बॉक्सेस के हवाले से। अच्छा जी, प्रॉफिट कितना हुआ? अब जो मेन जो बात है इस वीडियो की वो है प्रॉफिट, जिसकी वजह से सारे लोग इसको देख रहे हैं। तो उस्मान भाई आप जरा सही से बताएं प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट तकरीबन हमें लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हुआ। 12 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब ये मत पूछिए पार्टनर कितने थे, मतलब ऐसा नहीं कि 1.25 लाख रुपए मैं अकेला घर पे ले गया, ऐसी बात नहीं कहीं सारे मेरे घर पे पहुंच जाओ, ऐसा मैंने भाई बिल्कुल भी नहीं है। 1.25 लाख रुपए के करीब अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो नंबर ऑफ पार्टनर जितने भी थे 4-5 उन सब में डिवाइड हुआ है। अगर 5 पार्टनर थे तो 25,000 रुपए एक बंदे के उस पर आ गया। और 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बताई थी उस्मान भाई जी, बिल्कुल 25,000 रुपए प्रॉफिट हुआ अंदाजन लमसम, 25,000 से कम हो बेश कम। और ये 20 दिन की इन्वेस्टमेंट थी, मतलब हमने 9 तारीख को हम बकरे लेकर आए थे और 29 तारीख की दफा ईद थी। 20 दिन में मुझे ही लगता है कि ये कोई बुरा प्रॉफिट है। अच्छा, ये बात जहन में रखिएगा कि हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, पिछले साल हमें लॉस भी हुआ था। उस लॉस का मत पूछिएगा वरना आप लोग जो है वो डिस्करेज हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो ये प्रॉफिट लॉस बिजनेस का हिस्सा है, इसको इसमें कोई वो नहीं है। इस दफ़ा प्रॉफिट हुआ, पिछले साल लॉस हुआ था, ठीक है। तो बस सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई हैं कि जहन में मद्देनज़र रखिएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे प्रॉफिट के हवाले से मजीद? नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो। और दूसरा ये कि आप लोगों से मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि बिज़नेस करें, बिज़नेस में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, और जब आप कोशिश करते हैं तो फिर उसमें अल्लाह ताला कुछ ना कुछ बरकत डालता है और फ़ायदा ही होता है। फ़ायदा नुकसान अल्लाह की तरफ से होता है। आप ये सोच लेंगे पहले से कि इसमें नुकसान हो जाएगा तो आप फिर बिज़नेस नहीं कर सकते। तो बिज़नेस के लिए आपको रिस्क भी लेना पड़ता है और कोशिश भी करनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं होता। सही है। तो भाई ये ख्वारी ये बात जहन में रखिएगा, इस काम में ख्वारी बहुत है, ठीक है। और 20 दिन का काम है, ख्वारी 20-25। अच्छा, एक चीज़ और, आपका प्रॉफिट हमारा और बढ़ जाता अगर हम परचेजिंग सिर्फ एक बार में सारे बकरों की कर लेते। हमें अगली बार हम ये करेंगे कि एक ट्रक लेके ट्रक करके आएंगे मीरपुर खास से, 40-45 बकरे, 30-35-40 बकरे एक ही उसमें लेके आएंगे। ये जो 4-5 दफ़ा मंडिया गए, 4-5 दफ़ा हमारा जाने का एक्सपेंस लगा, आने का एक्सपेंस लगा, इधर उधर रुकने का, ये एक्सपेंस बढ़ता गया और प्रॉफिट कम होता गया। अगली बार हम, अच्छा हुआ भी, इसमें हमारी गलती भी नहीं है, हमने सोचा था 30 बकरे लेंगे, अब वो एक दिन में 25 बकरे बिक गए। पहले दिन 30, जिस दिन लेके आए थे उस दिन 3 बकरे बिक गए, 28 बकरे हमारे 5-6 दिन में बिक गए थे। उस पार्टनर ने बोला यार और लेके, फिर हमने उसको री इन्वेस्ट किया। और एक बात और, जब टाइम कम रह जाए तो री इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको मशवरा है मेरा आपको। हमने बहुत देखभाल के किया था, वो भी इस वजह से कि हमारे ग्राहक बिल्कुल तैयार थे, हमारे पास मतलब ग्राहक हमारे हाथ में थे, कस्टमर्स हमारे हाथ में थे। उन्होंने कहा हमें इतने बकरे चाहिए, रिक्वायरमेंट पे हम गए थे। दूसरी बात, हमारा एक्सपेंस बढ़ा लेकिन हम रिक्वायरमेंट पे गए थे। तो ये मत कीजिएगा कि आपके शुरू में आपने बोला यार बड़ा अच्छे बकरे बिक गए, ये गलती हमने पिछले साल की थी, हम बकरे हमारे बहुत पहले ज़्यादा बिक गए, हम और चले गए लालच में और लेके आए, वो बाद में नहीं बिके, बारिशें हो गई, जगह बहुत दूर थी, लोग पहुँच नहीं पाए उधर। तो इसलिए जगह भी जहन में रखिएगा और री इन्वेस्ट करते हुए 1,000 बार सोचिएगा कि आपके पास कन्फर्म डिमांड हो तो आप री इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। इस दफ़ा हमने सोचा है नेक्स्ट टाइम कि हम लोग एक ट्रक लेके आएंगे 40-50 बकरों का, 35 बकरों का, और एक ही बार लेके आएंगे। बार बार आने जाने से एक्सपेंस बढ़ता है और प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी जो वो है कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ये इस साल का, इसको बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, और मेन चीज़ ये है कि इसमें जब आप बकरों के पास जाते हैं एक आपकी फ्रेशनेस होती है, एक आप माइंड फ्रेश हो जाता है आपका बहुत ज़्यादा। भले आप घर में जितना बिजी हो, काम में जितना बिजी हो, लेकिन आप 1-2 घंटे जब इस चीज़ काम के लिए निकालते हैं तो आप फ्रेश हो जाते हैं। आप जब जानवरों में उठते बैठते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, आपके दिली खुशी भी होती है और आपको फ्रेशनेस भी मिलती है।
अच्छा मैं आपका हो गया। अच्छा इस वीडियो में जो एक्सपीरियंस है उसमें मैं एक वाक्य आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप अगर मेरी जगह पे होते तो आप क्या करते। हमारे पास एक कस्टमर आए और उनको एक बकरा पसंद आ गया, ठीक है। वो बकरा गुलाबी बकरा था और बहुत ही खूबसूरत बकरा था। उन्होंने हमसे पहले दो बकरे खरीदे हुए थे, वो दो बकरे मज़ीद लेने आए थे उसी रेंज के, लेकिन वो छोटे बकरे उन्होंने लिए थे। अच्छा ये जो बकरा था जो गुलाबी था, ये मैं किसी के लिए लेके आया था लेकिन उन्होंने देखा नहीं था। जब वो आए तो उनको वो बकरा पसंद आ गया, उनका दिल आ गया कि यार मैं ये बकरा लूँगा। अच्छा मैंने उनको कहा कि भाई ये बकरा जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं मिसाल दे रहा हूँ 80,000 रुपये का मैं आपको दूँगा। और उन्होंने कहा कि आप इसके 70 ले लें, 72 ले लें, 75 ले लें। इतने में वो आधा पौन घंटा हो गया था उनके बारगेन करते हुए। एक और पार्टी आ गई, जब दूसरी पार्टी आई तो उन्होंने कहा 78 ले लें। मैंने कहा नहीं 80। और जब दूसरी पार्टी आई तो उसको भी वो वही बकरा पसंद आ गया, उसने मुझसे पूछे तो मैंने कहा 90,000, क्योंकि हमारे ग्रुप में ये बात हो गई थी कि जब ये बकरा बिकेगा कोई और बंदा लेगा तो उसको हम 85,000 से 90,000 में देंगे, इससे कम नहीं देंगे, क्योंकि वो बकरा ऑलरेडी हम किसी के लेके आए थे। तो हमने उनको बोला वही। अच्छा उनको मैंने 80,000 इसलिए कहे थे क्योंकि उन्होंने दो बकरे पहले से परचेज किए हुए थे हमसे। मैंने उनको कहा 90,000, उन्होंने कहा 85 लें और डन करें। दो मिनट के अंदर उन्होंने डन कर दिया। अब वो जो हमारे दूसरे कस्टमर थे जो पहले से खड़े हुए थे, उन्होंने 78 कहे थे। तो जब मैंने उनको कहा कि भाई ये तो बकरा चला गया 85,000 में, तो वो थोड़ा सा नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि ये बकरा मैं ही लेके जाऊँगा। और फिर वो कस्टमर्स में थोड़ा सा आपस में डिस्प्यूट हो गया। तो फिर मुझे तो समझ नहीं आया कि इस कंडीशन में क्या करें दोनों पार्ट। अब फिर वो जो 78 कहते हैं, वो उन्होंने भी कहा मैं भी 85 दूंगा इसके। तो ऐसी सिचुएशन में आप होते तो आप क्या करते, मुझे तो समझ नहीं आया। मेरा जो जहन में था वो ये था कि दोनों को कहूँ कि हमने बकरा नहीं बेचना, जिसके लिए हम लेके आए थे उसी को देंगे। लेकिन हमारे एक दूसरे पार्टनर हैं मुदम्मिल भाई, वो मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं और उन्होंने कहा कि ये बकरा काशिफ साहब का ही, काशिफ साहब पहले आए थे, मतलब जिन्होंने पहले 78 कहे थे और उसके बाद फिर उन्होंने कहा मैं अब 85 दूंगा। जब दूसरी पार्टी ने कहा हम 85 दे रहे, जब मुदम्मिल साहब ने ये कहा तो वो पार्टी चली गई। उन्होंने बोला हम आपसे कोई परचेजिंग नहीं करेंगे, हालांकि उन्होंने 6 बकरे लेने थे और हमने खैर हमारे बकरे तो खैर बिक गए। लेकिन मुझे लगा कि एक पार्टी नाराज़ होकर चली गई, अगर हम उनको देते तो काशिफ साहब नाराज़ होकर चले जाते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर तुम ये बकरा उनको दोगे तो मुझे दो बकरे परचेज किए वो भी मैं नहीं लूँगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि इसमें किसी ना किसी को तो नाराज़ होना ही था। तो हमने काशिफ साहब को दिया क्योंकि वो हम पहले भी आए थे और वो पहले परचेजिंग भी कर चुके थे और वो बहुत खुश थे। मैं उनकी वीडियो इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर भी करूँगा। वो बकरे के साथ बहुत ही खुश थे, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे बकरे को लेकर। तो हमें कोई इस पर पछतावा नहीं है, लेकिन मैं कभी कभार एक आता है जहन में कि यार वो एक पार्टी नाराज़ होकर चली गई। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप क्या करते। बस बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा और इस वीडियो को अख्ताम करते हैं इस वीडियो का। अपना ख्याल रखिएगा, जो भी आप लोगों ने कुछ मुझसे पूछना हो इस वीडियो के हवाले से, कोई और सवाल पूछना हो जो आपके जहन में हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। उस्मान भाई आपने कुछ कहना है? नहीं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। भाई बस हम यहाँ से निकल रहे हैं आपका बकरा लेके, सुजुकी में अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ गया है। बस ये है कि इंशाल्लाह कोशिश है कि आधे घंटे के अंदर जो है ना वो आपके पास आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अभी तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और ये हमारे 10 बकरे यहाँ से जा रहे हैं, जिसमें काशिफ भाई की बकरे हैं, उमैर की बकरे हैं और हमारे एक बिलाल भाई हैं सफूरा वाले, उनके भी बकरे हैं, जिसमें गुलाबी वाले बड़े बकरे हैं। हमारे मेहमान थे, अब अल्लाह ने खिदमत करवाई और अभी जा रहे हैं अपने घर पर। अल्लाह सबकी कुर्बानी को बोल गए।